सिख संगत दे हत्थां च डांगा सोटियां मोढ़ियां ते बंदूक एस जी पी सी वल्लों संगत दे सहयोग नाल लिया गया जमीन दा कब्जा ते इह सब करन लई संगत नूं कीता गया मजबूर। पुलिस दी वी ढिल्ली कारगुजारी बनी कारण पहला देखो कुछ तस्वीरां फिर सांझा करदिआं मामला। एस जी पी सी दे अधीन आउंदे इतिहासिक गुरद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब ठट्ठा झवाल दी 88 कनाल 15 मरले जगह जिस उपर लंबे समय तो बाबा दर्शन सिंह कार सेवा वालियां दा नजायज कब्जा सी। जानकारी मुताबक एस जी पी सी इस दा केस हेठले क्रम दी अदालत तो लैके हाई कोर्ट तक भी जित चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वल्लों केस डिसमिस कर दिता गया सी जिस दे चलदिआं बीते कल इस जगह दा कब्जा लैण लई एस जी पी सी वल्लों जिला प्रशासन अते पुलिस तों मदद मंगी गई सी जिस कारण पुलिस वल्लों दुपहर 1 बजे तक फोर्स भेजण दा वादा तां कीता गया पर कैप्टन सरकार वांग उन्हां दा दावा भी झूठा ही निकलिआ जिस दे चलदिआं संगत ने 3 बजे तक पुलिस दी अड़ीक तों बाद आखिरकार खुद ही हथियार चक लए जिसके चलदिआं संगत वल्लों खुद ही ट्रैक्टर लै कब्जे वाली जमीन ते कणक दी बिजाई कीती गई। इस बाबत एस जी पी सी मैंबर खुशबिंदर सिंह भाटिया दा की कहना देखो। ये जगह ते बाबा दर्शन सिंह दा परिवार नजायज काबज सी क्योंकि ये जगह संगतां दी ते बाबा बुढ़ा साहब दी है ते नजायज काबज होण करके सुप्रीम कोर्ट तक जिहड़ा केस आ उह बाबा बुढ़ा साहब जी दे हक विच होया। पुलिस प्रशासन ने लोकल सियासी लीडरां दे दबाव हेठ आण के किसी किस्म का कानूनी तौर पर साथ नहीं दिता। मैं तो कहूँगा कानून का बिल्कुल साथ नहीं दिता तो जो कि संगतां ने अज अपने जज्बातों ना सामते हुए क्योंकि ये जगह गुरद्वारा साहब की है तो संगतां ने आप अगे हो के नाल सहयोग करके उस जगह का सारा कब्जा ले लिया है। अभी फिर एक बार पुलिस प्रशासन बेनती करते हैं कि जो हूँ वो बाबा बुढ़ा साहब जी की कृपा ना सही काम हो गया तो इसनों हुण खराब ना किया जाए जे कोई खराबी हुई तो उहदा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन ते लोकल लीडरशिप होगी। उधर एस जी पी सी की धर्म प्रचार कमेटी के जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह ने भी जिला प्रशासन अते मौके की सरकार नूं चेतावनी दिती है। बुढ़ा साहब जी की जमीन 88 कनाल 15 मरले का बाबा दर्शन सिंह उन्हां दा परिवार बड़े लंबे समय तो नजायज काबज सी उन्हां तों छुड़ाउण वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मैजर बीड़ बाबा बुढ़ा साहब ते संगतां ने केस कीता सी। वो केस लोअर कोर्ट तो लैके मानयोग सुप्रीम कोर्ट तक वो बाबा बुढ़ा साहब जी के हक च हो गया। उस तो बाद इजरा पा के पजैशन वरंट सानू जारी होए। पहले वरंट जिहड़े जारी होए ने दो बार पजैशन वरंट सानू होए ने जारी जी सितंबर महीने च। उस तो बाद मानयोग अदालत ने सानू 15 नवंबर तक कब्जा दवाउण दे वरंट जारी किए। फिर 15 नवंबर तो बाद 2 दिसंबर तो बाद 16 दिसंबर तक इस जगह का कब्जा गुरद्वारा साहब दवाउण लई मानयोग अदालत ने पजैशन वरंट जारी किए सी। तो समय समय उन्होंने नाल पुलिस प्रोटैक्शन पुलिस नूं भी हिदायत की आ मानयोग अदालत ने ते माल विभाग नूं भी। माल विभाग वालों वार वार टाइम दे के पुलिस नूं लिख के भी इन्नी तरीक नूं सानूं पुलिस इमदाद दिती जाए। चार वार पुलिस इमदाद मंगण दे बावजूद भी लोकल जिहड़ी सरकारी जिहड़े मैं तो समझदा भी सियासी लोगों के दबाव थले आ के पुलिस ने चार बार सानू टाइम दे के ते चारे बार ही सानू मौके ते आके जवाब दे दिता। वो जवाब देने तो बाद अज दा टाइम दिता सी सानू पुलिस प्रशासन ने 1 बजे का जदों 3 बजे तक पुलिस प्रशासन ने सानू जवाब दे दिता। तो इतों संगतां ने अगे लग के वो जिहड़ी जमीन सी 88 कनाल 15 मरले उहदा कब्जा आप लै लिया। उहदे विच जिहड़े कुछ होर कब्ज सन जिन्हां नूं बाबे ने जमीन दित्ती सी उन्हां ने सानूं अपने आप लिख के दे दित्ता असीं उहदा कब्जा छड्डिया। बाकी जमीन सारी वाह के उहदे च असीं अज कणक बीज दित्ती आ। जिहड़ी खाली जमीन पई सी उहदे च कणक बीज दित्ती गई आ। इह जमीन ते हुण बाबा बुढ़ा साहब दा जिहड़ा है उह बिल्कुल निरोल प्रबंध ते कब्जा हो गया। अज तों बाद जे किसे भी बंदे ने इस जगह विच आ के कोई छेड़छाड़ करन दी कोशिश कीती तो उहदे विच जे कोई झगड़ा हो के नुकसान हुंदा उहदे लई लोकल पुलिस प्रशासन ते इत्थों दे जिहड़े सियासी आगू ने मौजूदा सरकार दे सियासी आगू वो जिम्मेवार होणगे क्योंकि अहीं समझांगे
भी जे कोई छेड़खानी करता तो पुलिस प्रशासन की मर्जी तो इतों के लोकल MLA तो होर जो सियासी आगू ने उन्होंने मर्जी के बगैर इतने वड़ नहीं सकता। साड़ी ये अपील आ जी संगत ने गुरद्वारा साहब की जमीन का कब्जा ले लिया, गुरद्वारा साहब से कब्जा तो वह वही करेगा, कोई भी किसी किस्म का इतने को आया झगड़ा आया तो वो प्रशासन जिम्मेवार होगा। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।